हेलो एंड वेलकम टू चैनल ए। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकाश और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है एटीएम फ्रॉड। जी हाँ, जब आप अपना पैसा निकालने के लिए एटीएम में जाते हैं तब वहाँ पे कुछ बहुत ही शातिर लोग आपको मूर्ख बनाने के लिए वेट करते रहते हैं आपका। और जब आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं तो आपको चूना लगा के आपका सब मेहनत का पैसा वो ले जाते हैं। तो फ्रॉड होने के चांसेस कौन से एटीएम में ज़्यादा रहते हैं? तो उस एटीएम में जहाँ पे डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं होती। एटीएम के बाहर लिखा रहता है कि 1 person at a time, मतलब एक ही पर्सन अंदर जा सकता है एक वक्त पे, लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 3, 4 लोग भीड़ लगी रहती है एटीएम के अंदर। कोई किसी के साथ आया रहता है तो कोई पैसे निकालने के लिए आया रहता है, और उनमें 1, 2, 3 चोर छुपे रहते हैं जो आपको ठग सकते हैं। और ऐसे लोग बिना वजह आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। आप उनके पास मदद नहीं मांगे तो भी वो आप जबरदस्ती आपकी मदद करने में लग जाते हैं। और ऐसे में क्या हो जाता है कि आप उनसे मदद ले लेते हैं, वो आपका कार्ड आपसे ले लेते हैं, स्वाइप करते हैं, और अपने हाथ में जो उनके पास जो एक फेक कार्ड रहता है जो सेम टू सेम आपके कार्ड जैसा ही दिखता रहता है, उस कार्ड से आपका कार्ड एक्सचेंज करते हैं और वो फेक कार्ड आपको देते हैं, और असली कार्ड उनके पास रहता है। वो पीछे खड़े रह के देखते हैं आप कौन सा पिन डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। वो पिन नंबर भी उनके पास फिर आ जाता है जब वहाँ पैसा नहीं निकलता, वो फेक कार्ड रहता है इसलिए नहीं निकलता, तब आप वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो आपका ओरिजिनल एटीएम और पिन कार्ड डाल के आपका सारा मेहनत का पैसा निकाल लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और कई बार ऐसा होता है कि उनके पास एक हिडन कैमरा रहता है। अब तो ऐसे ग्लासेस भी आ गए हैं कि वहाँ पे जो चश्मा है वहाँ पे कैमरा लगा रहता है, और वो आपकी जो कार्ड की डिटेल्स है, कार्ड का नंबर, उसकी वैलिड थ्रू जो एक्सपायरी डेट रहती है वो, और उसका पीछे जो सीवी भी होता है वो ले सकते हैं, वो फोटो ले सकते हैं, और बाद में आपको चूना लगा सकते हैं, आपका पैसा निकाल सकते हैं, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आपके कार्ड को लेके। तो आप बोलेंगे कि ओटीपी तो मेरे पास आएगा, उसको कैसे ओटीपी मिलेगा? लेकिन अगर वो बहुत ही शातिर हुआ, वो थोड़ा बहुत हैकिंग जानता होगा, तो आपका ओटीपी भी बाईपास करेगा और आपके पैसे निकाल लेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रॉड होते हैं वो 2 ATM वाले ATMs में होते हैं, जहाँ पे 2 machine लगाए जाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, तो एक ATM को ख़राब कर देते हैं, वो ATM का जो कीपैड रहता है उसको उठा के उसके अंदर कागज़ या फिर कुछ और डाल के उसको स्टक कर देते हैं, जो एक बटन होता है वो दबा का दबा रह जाता है, और वो पिन कोड वगैरह कुछ भी नहीं लेता। आपको पता नहीं होता, आप ATM में एंटर करते हो, अपना कार्ड स्वाइप करते हो, लेकिन वो जब आप पिन दबाने के लिए देखते हो तो वो पिन नहीं लेता, क्योंकि एक ही नंबर वहाँ पे दबा रहता है। तो क्या करते हो आप, बिना कैंसिल ट्रांजैक्शन किए बाजू के ATM में, जो बाजू में मशीन रखी रहती है वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे अपना कार्ड स्वाइप करते हो, वहाँ पे अपना पिन नंबर डालते हो। फ्रॉड होता है वो पीछे खड़े रह के आपका ATM का पिन देख लेता है, और इस जो पहले वाला ATM था वहाँ पे आपने कैंसिल ट्रांजैक्शन अगर नहीं किया है तो वहाँ पे आपका वो पिन नंबर डाल के आपका पैसा निकाल लेता है। और ATM में भी बहुत सारे जुगाड़ कर दिए जाते हैं आपको मूर्ख बनाने के लिए। जो ATM का जो कैश जहाँ से आता है वहाँ पे एक कैश ट्रे लगाया जाता है, जब आप अपना पिन कोड डाल के विड्रॉल निकालते हो पैसे, तो वो पैसे उस कैश ट्रे में जमा हो जाते हैं, वो बाहर आपको नहीं मिलते। वो दिखता है कैश आउटलेट जो होता है वैसा ही दिखता रहता है, लेकिन वहाँ से कैश नहीं आता, वो वहाँ पे ट्रे में अंदर कैश जमा हो जाता है, और आप वेट करते हो, अभी तक पैसा नहीं आया। थोड़ी देर वेट करके आप सोचते हो कि चलो बाद में रिफंड आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और आप चले जाते हो, लेकिन बाद में वो आके उस ट्रे को निकाल के आपका पैसा उसमें से निकाल लेता है। और स्किमिंग डिवाइस भी लगाया जाता है, जब जहाँ पे आप अपना कार्ड स्वाइप करते हो वहाँ पे एक स्किमिंग डिवाइस लगाया जाता है, जो डिवाइस आपके कार्ड का नंबर और आपकी सभी डिटेल्स जो मैग्नेटिक होता है उससे सेव कर लेता है। अपने काम से काम कुछ कर ही नहीं रहा। ओरिजिनल समथिंग डिवाइस भी ऐसा नहीं है, उसके ऊपर लगा दो, सेम ऊपर नाप से बना हुआ है, ये चीज देखो सेट बैठा हुआ है, ताकि कस्टमर को पता ही नहीं लगेगा इसमें कि यार ये क्या है। और इस तरीके से इसके अंदर चिप लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, और ये रीड करने के लिए भी लगा हुआ है, इसमें सेंसर मैग्नेट लगा हुआ है, सेंसर है ये,
कस्टमर को किसी भी तरीके से पता नहीं लग सकता कि ये क्या है। तो आपको करना क्या है, तो दूसरों से मूर्ख बनने से अच्छा है कि आप खुद ही मूर्ख की तरह एक्टिंग करो। वहां पे जाओ एटीएम पे, जब अपना पिन डालो तो ऐसे हाथ रख के आपका पिन छुपाकर एंटर करो, और वहां पे थोड़ा देखो एटीएम का जो स्वाइप करते हो वहां पे थोड़ा घुमा के उसको हिला के देखो, कीपैड को जरा उठा के देखो। जो ओरिजिनल एटीएम होता है वो बहुत ही स्ट्रांग बिल्ड किया जाता है, वो आपके घुमाने से उठाने से नहीं उठता। वो अगर वहाँ पे कुछ अलग डिवाइस लगाया गया हो तो आपके घुमाने से या दबाने से खींचने के वजह से वो निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने इन वीडियो में आपको दिखाया, तो सावधान रहिए, आपका मेहनत का पैसा है, आपका मेहनत का पैसा होता है, कहीं बम्पर लॉटरी में आया हुआ पैसा नहीं होता। तो सावधान रहिए, देखते रहिए चैनल ए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। Every single day.